आज तारीख हो चुकी है 26 अप्रैल। आज एक बार फिर से आईपीएल को लेकर, सभी आईपीएल टीमों को लेकर कुल 8 बड़ी खबरें, 8 बड़े अपडेट्स निकल कर आए। मैं इस वीडियो में आपको सभी 8 खबरों, सभी 8 अपडेट्स के बारे में बताऊंगा। आपको बताऊंगा कि आज एक बार फिर से कौन सी 8 बड़ी खबरें, कौन से 8 बड़े अपडेट्स निकल कर आए। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी ये क्रिकेट के बड़े फैन, तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। अब हम बात करते हैं सभी 8 बड़ी खबरों की। तो जो सबसे पहली बड़ी खबर निकल कर आती है, वह थी राजस्थान रॉयल्स की तरफ से। दरअसल राजस्थान रॉयल्स की टीम को यहाँ पर आईपीएल 2021 के सीजन के दौरान एक और बड़ा झटका लगा है, जहाँ पर इस टीम के लिए ऑलरेडी बेन स्टोक्स, इसके साथ ही जोफ्रा आर्चर, इसके साथ ही लिविंगस्टोन आईपीएल से बाहर हो चुके हैं। और कल एक और विदेशी प्लेयर इस टीम को छोड़कर दोबारा से अपनी कंट्री लौट चुका है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया तेज गेंदबाज एंड्रो टाई भी अब राजस्थान रॉयल्स की टीम को छोड़कर अपनी कंट्री ऑस्ट्रेलिया लौट चुके हैं, जहाँ पर बायोसिक्योर बबल से परेशान होकर और लगातार 10 महीने से बायोसिक्योर बबल में रहकर, इसी वजह से अब ये आईपीएल को छोड़कर, आईपीएल को मिडवे में छोड़कर अभी यहाँ पर अपनी कंट्री वापस लौट चुके हैं। और आज की तारीख में राजस्थान रॉयल्स की टीम के पास केवल 4 ही विदेशी प्लेयर्स बचे हैं। यानी अगर कोई भी विदेशी प्लेयर इस टीम का आईपीएल के दौरान इंजर्ड होता है, तो बिना किसी विदेशी प्लेयर की इस टीम को खेलना होगा। तो कुल मिलाकर राजस्थान रॉयल्स की टीम को बड़ा झटका लगा है, और इनकी रिप्लेसमेंट को लेकर राजस्थान रॉयल्स की तरफ से अब बड़ा अपडेट देखने को मिलेगा। यहाँ पर बड़ी खबर तो ये भी निकल कर आ रही है कि एमआई की टीम के तेज गेंदबाज यहाँ पर ड्यूएन जेनसन को ये टीम अपनी टीम में इंक्लूड कर सकती है। एमआई के साथ हाल फिलहाल में ये टीम बातचीत करी, यहाँ पर मार्को जेनसन के भाई ड्यूएन जेनसन को ये टीम रिप्लेसमेंट के तौर पर अपनी टीम में जगह दे सकती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे, ताकि इस पर जब भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो, तो आपको सबसे पहले हमारे चैनल पर अपडेट मिल जाए और आप आईपीएल को लेकर कोई भी खबरें मिस ना कर पाए। इसके साथ ही आप कमेंट करें कि आपके अकॉर्डिंग इतनी समस्याओं के बाद आखिर राजस्थान की टीम प्लेऑफ्स में क्वालिफाई कर पाएगी या फिर नहीं, और आपके अकॉर्डिंग राजस्थान की टीम को क्या यहां पर रिप्लेसमेंट अनाउंस करनी चाहिए। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी खबर की, तो जो दूसरी बड़ी खबर निकल कर आती है, वह आती है आज होने वाले आईपीएल के मुकाबले को लेकर। दरअसल आज पंजाब और केकेआर के बीच आईपीएल का काफी इंपोर्टेंट मुकाबला खेला जाएगा, जहां पर केकेआर की टीम को अब प्लेऑफ्स में क्वालिफिकेशन के लिए बचे हुए 9 मैचों में से 7 मैच जीतने होंगे, जबकि पंजाब की टीम को भी 9 में से 6 मैच जीतने होंगे। यानी दोनों ही टीमों के लिए आज का मुकाबला काफी इंपोर्टेंट रहेगा, ना सिर्फ दोनों टीमों के लिए बल्कि आपके लिए भी ये मुकाबला काफी इंपोर्टेंट रहेगा, क्योंकि इस मुकाबले की आप माई 11 सर्किल पर टीम बनाकर पूरे 1 करोड़ रुपए जीत सकते हो। और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने माई 11 सर्किल का लिंक दे रखा है, अगर वहां से आप माई 11 सर्किल को डाउनलोड करते हो, तो आपको हमारी तरफ से 1500 रुपए बिल्कुल फ्री मिलेंगे। उन्हीं 1500 रुपयों में से आप केवल 1 रुपया लगाकर इस मुकाबले की टीम बनाकर पूरे 1 करोड़ रुपए जीत सकते हो। इवन कल जो दिल्ली कैपिटल्स और हैदराबाद का मुकाबला हुआ था, उस मुकाबले में हमारे कुछ सब्सक्राइबर ने 50 से 60 हजार रुपए जीत लिए है। आप स्क्रीन पर उनके स्क्रीनशॉट्स देख पा रहे होंगे, तो आपके पास भी मौका है कि आज के मुकाबले में आप 1 रुपए में टीम बनाकर पूरे 1 करोड़ रुपए जीत सकते हो। तो आप अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से माई 11 सर्किल को डाउनलोड करके 1500 रुपए प्राप्त करके आज के मुकाबले के लिए अपनी टीम बना ले। दिस गेम इन्वॉल्व एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली एट योर ओन रिस्क। इसके बाद जो तीसरी बड़ी खबर निकल कर आती है, वह आरसीबी के कप्तान विराट कोहली की तरफ से। दरअसल कल आरसीबी और सीएसके के बीच आईपीएल का काफी इंपोर्टेंट मुकाबला खेला गया था। इस मुकाबले में यहाँ पर सीएसके की टीम को काफी आसानी से जीत मिल गई थी, लेकिन इस मुकाबले में यहाँ पर विराट कोहली ने 20 ओवर कंप्लीट करने के लिए पूरे 105 मिनट लिए थे। इसी वजह से विराट कोहली पर 12 लाख का बीसीसीआई द्वारा फाइन लगा दिया गया है, और विराट कोहली पर इस आईपीएल एडिशन में दूसरी बार फाइन लगा दिया गया है। और बीसीसीआई के नए नियमों के अनुसार यहाँ पर किसी भी कप्तान पर 3 बार फाइन लगता है, तो चौथी बार उस कप्तान को 1 मैच के लिए बैन कर दिया जाएगा। यानी इस आईपीएल एडिशन में अब अगर विराट कोहली बचे हुए सभी मैचों में से केवल 1 बार भी यहाँ पर स्लो ओवर रेट करते हुए पाए जाते हैं,
हैं तो इनको एक आईपीएल मैच से बैन कर दिया जाएगा। इसके बाद हो सकता है कि ये पूरे कंप्लीट आईपीएल एडिशन से बैन हो जाए। तो कुल मिलाकर आरसीबी की टीम के लिए यहाँ पर कल का मुकाबला हारने के बाद एक और बड़ी समस्या क्रिएट हो चुकी है। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग आखिर ये बीसीसीआई का आईपीएल में सही नियम है या फिर नहीं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं चौथी बड़ी खबर की, तो जो चौथी बड़ी खबर निकल कर आती है वो आती है सीएसके के यहाँ पर रिप्लेसमेंट प्लेयर जेसन बेरेंडाउ को लेकर। दरअसल जेसन बेरेंडाउ पे यहाँ पर भारत पहुंचे हुए अब लगभग 8 से 10 दिन हो चुके हैं और अब इनके क्वारंटाइन को लेकर हमारे पास ऑफिशियल अपडेट आ चुका है। आज इनका क्वारंटाइन ऑफिशियल समाप्त हो चुका है और आज शाम को ये सीएसके की टीम को यहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे। और जब तक शायद आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक ये सीएसके के प्रैक्टिस कैंप को ज्वाइन कर चुके होंगे। और जो 28 अप्रैल को सीएसके और हैदराबाद का मुकाबला होगा इस मुकाबले में प्लेइंग 11 में सिलेक्शन के लिए भी उपलब्ध हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर अब जेसन बेरेंडाउ के उपलब्ध होने से यहाँ पर सीएसके की टीम की बॉलिंग लाइनअप और स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। कुल मिलाकर आईपीएल 2021 के सीजन के लिए यहाँ पर सीएसके की टीम और स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। वैसे आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि इस तरह के आप अपडेट्स मिस ना कर पाए। इसके साथ ही आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग आखिर इस साल सीएसके की टीम ऐसे प्रदर्शन के बाद चौथा आईपीएल खिताब जीत कर एमएस धोनी को फेयरवेल दे पाएगी या फिर नहीं। आप अपनी राय नीचे कमेंट जरूर करें। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं पांचवी बड़ी खबर की, तो जो पांचवी बड़ी खबर निकल कर आती है वो आती है आईपीएल 2021 के सीजन के पहले सुपर ओवर को लेकर। दरअसल कल हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के बीच यहां पर इस आईपीएल एडिशन का पहला सुपर ओवर मुकाबला खेला गया था। इस सुपर ओवर मुकाबले में यहां पर हैदराबाद की टीम को महज आखिरी की 3 बॉलों में 4 रन चाहिए थे जब केन विलियमसन और सुचित यहां पर स्ट्राइक पर खेल रहे थे, लेकिन इसके बावजूद यहां पर हैदराबाद की टीम को हार मिली थी और सुपर ओवर में वार्नर के शॉर्ट रन की वजह से यहां पर हैदराबाद की टीम को सुपर ओवर में हार मिली थी। इसके बाद लगातार सोशल मीडिया पर यह खबरें वायरल होने लगी है कि यह मैच पूरी तरह से फिक्स था, फिक्सिंग के चलते हुए यहां पर हैदराबाद की टीम को इस मुकाबले में हार मिली है। तो आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग आखिर यह मुकाबला फिक्स था या फिर नहीं, और आपके अकॉर्डिंग आखिर यह मुकाबला कौन सी टीम को जीतना चाहिए था। आप अपनी राय नीचे कमेंट जरूर करें। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं छठी बड़ी खबर की, तो जो छठी बड़ी खबर निकल कर आती है वो आती है आईपीएल 2021 के सीजन की नई पॉइंट्स टेबल को लेकर। दरअसल आईपीएल 2021 के सीजन की अब आप पॉइंट्स टेबल अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जहां पर सीएसके की टीम पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर पहुंच चुकी है। इसके साथ ही केकेआर और हैदराबाद की टीम की अब समस्याएं बढ़ चुकी है जहां पर केकेआर और हैदराबाद की टीम को बचे हुए अपने 9 मैचों में से अब 7 मैच जीतने होंगे तभी ये टीम प्लेऑफ्स में क्वालिफाई कर पाएगी। कुल मिलाकर यहां पर केकेआर और हैदराबाद की टीम अब काफी अधिक फंस चुकी है। दो टीमें वो पहली टीमें बन सकती है जो कि प्लेऑफ्स की रेस से बाहर हो जाए। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग आखिर इस पॉइंट्स टेबल के अनुसार इस साल सबसे पहले कौन सी टीम प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करेगी और सबसे पहले आखिर कौन सी टीम प्लेऑफ्स की रेस से बाहर होगी। आप अपनी राय नीचे कमेंट जरूर करें। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सातवीं बड़ी खबर की, तो जो सातवीं बड़ी खबर निकल कर आती है वो आती है यहाँ पर न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज मैट हेनरी को लेकर। दरअसल यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स की तरफ से अपडेट निकल कर आ रहा है कि यहाँ पर न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज मैट हेनरी को इस टीम में जोफ्रा आर्चर की रिप्लेसमेंट के तौर पर अब जगह मिलने वाली है जहाँ पर मैट हेनरी ने यहाँ पर न्यूजीलैंड में अपनी कोविड की टेस्टिंग करवा ली है और आज शाम तक या फिर कल सुबह तक इस पर कंफर्मेशन मिल जाएगा कि आखिर कब तक ये भारत पहुंचेंगे, कौन सी तारीख को ये क्वारंटाइन होंगे, कौन सी तारीख से ये आईपीएल खेलने के लिए उपलब्ध होंगे। जहाँ पर साउथ अफ्रीका में यहाँ पर वेंडर डसन की भी कोविड की टेस्टिंग हो चुकी है, लिविंगस्टोन को ये रिप्लेस करने वाले है। तो कुल मिलाकर राजस्थान रॉयल्स की टीम ने यहाँ पर रिप्लेसमेंट को लेकर अपनी तरफ से अब यहाँ पर काफी बड़े एक्शन लेना शुरू कर दिया है और आने वाले कुछ ही दिनों में अब राजस्थान की टीम में हमें 3 से 4 लगातार रिप्लेसमेंट देखने को मिलेगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि आप आईपीएल को लेकर कोई भी खबर मिस ना कर पाए। इसके साथ ही आप कमेंट करें आपके अकॉर्डिंग आखिर राजस्थान रॉयल्स की टीम में अब 4 विदेशी प्लेयर्स के बाहर होने पर आखिर कौन से 4 प्लेयर्स को अब रिप्लेसमेंट के तौर पर जगह मिलनी चाहिए। आप अपनी राय नीचे कमेंट जरूर करें। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आठवीं और आखिरी बड़ी खबर की, तो जो आठवीं और आखिरी बड़ी खबर निकल कर आती है दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से। दरअसल कल का मुकाबला जीतने के बाद अब आज यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स के ऑलराउंडर रवि अश्विन आईपीएल 2021 के सीजन से कंप्लीटली बाहर हो चुके हैं जहाँ पर कोविड-19 के केसेस बढ़ने के कारण और अपने पर्सनल रीजन के चलते इसके साथ इनकी फैमिली में कोई कोविड पॉजिटिव पाए जाने के कारण
अभी आईपीएल को मिडवे में छोड़कर अब दोबारा से अपने घर लौट जाएंगे। आईपीएल को छोड़कर ये अब अपने घर लौटने वाले तो कुल मिलाकर रवि अश्विन भी अब आईपीएल 2021 के सीजन से बाहर हो चुके हैं। हालांकि दिल्ली कैपिटल्स को ज्यादा नुकसान नहीं होगा, इनके पास अक्षर पटेल इसके साथ अमित मिश्रा के रूप में अभी भी दो स्पिन गेंदबाजों के विकल्प उपलब्ध है और आने वाले दिनों में अब अश्विन की रिप्लेसमेंट भी इस टीम की तरफ से अनाउंस कर दी जाएगी। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग आखिर अश्विन की जगह दिल्ली कैपिटल्स की टीम में कौन से प्लेयर की अब एंट्री होनी चाहिए। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो करें लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।